एक आदमी को बचाने के लिए सारा लखीसराय लांगट हो गया प्रशासन, एक आदमी को बचाने के लिए लांगट हो गया प्रशासन। केस को प्रेम प्रसंग में डाइवर्ट कर रहे हैं, लोक परिवार कर रहा है। अरे प्रेम प्रसंग का मामला तो अलग था, प्रेम प्रसंग के साथ जब कह रहा है कि जमीन माफियाओं का एक सिंडिकेट इतना बड़ा खेल को अंजाम दिया, आपकी जिम्मेवारी है कानून के राज स्थापित करने का। बिहार की जनता किस दुख में है, बिहार की जनता किस दर्द में है, इससे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये हमारा कहना नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से बिहार के लखीसराय जिले में एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोली चलाई गई, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ ये मामला आपसी विवाद बताया जा रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी यानी कि विपक्ष में खड़ी सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जनता के साथ क्या हो रहा है, बिहार के लोग किस दुख में हैं, किस दर्द में। तो इस बात का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, उनसे इतना भी नहीं हुआ कि उन्हें ये संवेदना दे सके, उन्हें सांत्वना तक दे सके। क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बोल रहे हैं, चलिए हम आपको पहले उनकी पूरी बातों को सुन। एक आदमी को बचाने के लिए सारा लखीसराय लांगट हो गया प्रशासन, एक आदमी को बचाने के लिए लांगट हो गया प्रशासन, ये क्या तमाशा है? और ये भरम में मत रहिए, यही सत्ता रह जाएगी, यही आप लोगों ने सब पोस्टिंग करा देगा लखीसराय में। जेडीयू के लोग कितने संवेदनहीन है, एक ही परिवार का ये नरसंहार है, और ये नरसंहार जमीन माफियाओं का, दारू माफिया, बालू माफिया का एक बड़ा रैकेट है, सिंडिकेट है, उसके देखरेख में, जिसका नाम लोग बता रहे हैं कि ये नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान का नाम आ रहा है, उसको बचाने के लिए ये लोग केस को प्रेम प्रसंग में डाइवर्ट कर रहे हैं, लोग परिवार कर रहा है। अरे प्रेम प्रसंग का मामला तो अलग था, प्रेम प्रसंग के साथ जब कह रहा है कि जमीन माफियाओं का एक सिंडिकेट इतना बड़ा खेल को अंजाम दिया, आपकी जिम्मेवारी है कानून के राज स्थापित करने का। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद यहाँ के एक ट्वीट तक नहीं, एक संवेदना तक नहीं व्यक्त करना, क्योंकि जदयू का नेता एक सभापति अरविंद पासवान का नाम आ रहा, उसको बचाने के लिए उसके आका ने पूरे प्रशासन को दबाव डाल रहा है कि तुम इसको प्रेम प्रसंग, अब यहाँ का ASP फोटो सजा रहा है कि जो बच्ची मर गई है। अरे कानून का राज स्थापित करना, ये छठ के पर्व में दिन दहाड़े हत्या होती है, नरसंहार होता है, आप क्यों नहीं इस पर संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ कार्रवाई करते हैं, मुख्य अभियुक्त को पकड़ते हैं? किसने मुख्य अभियुक्त को भगाया? आपका वहां पर अरविंद पासवान मौजूद था, और वो भगाता है, परिवार कह रहा है, और आप उस पर एक शब्द नहीं, केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। जब तक ये सिंडिकेट माफियाओं का साम्राज्य चलेगा, इसको बचाने का खेल होगा, अपराधी कभी नहीं पकड़ाएगा। आज प्रेस के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता सबको धमकी प्रशासन के लोग देते हैं, ट्वीट करने पर उसको केस करने का, जेल भेजने का, ये अराजकता है, ये घोर पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति का वातावरण लखीसराय के अंदर है। लेकिन प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा, प्रतिपक्ष डरता नहीं है परिणाम से, और आपके इस पाप को, इस सिंडिकेट के विरुद्ध खुल कर करके जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इस आवाज को उठाएंगे।